कर रही है, देखो ये देखो कितना प्ले आ रहा है। और इसके लिए जब गाड़ी चलती है ना तो आवाज़ करने लगता है, रहता है देखो ये बूझ टूट गया है पूरा। तो इस नमस्कार दोस्तों, मैं अभिजीत आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल मास्टर माइंड टेक में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम फॉक्स वैगन का जो पोलो, वेंटो, स्कोडा रैपिड, पबिया, इन गाड़ियों में जो स्टेयरिंग रैकेट बैठता है वो रिपेयर करने वाले हैं। तो इसमें क्या क्या दिक्कत आती है और उसमें को रिपेयर किस तरह किया जाता है, ये इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। ये रैक है, इसमें प्ले आ जाता है, इसके लिए ये आवाज़ वगैरह करते हैं। अंदर इसके बुश वगैरह होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, थोड़ा पुराना हो जाता है रैक और गाड़ी थोड़ी चलती है पुरानी हो जाती है। तो इसके लिए इधर ओरिजिनल जो कंपनी के होते हैं क्लिप होते हैं, ये देखो इसमें है ना थोड़ा प्ले आया है। तो कैमरा में आपको कितना दिख रहा है मुझे पता नहीं, लेकिन इसमें प्ले मैं महसूस कर रहा हूँ। ठीक है, तो अभी ये पूरा खोलना पड़ेगा। ये देखो ये इसका बूट है, ये खोल लेता हूँ मैं। ये देखो ऐसे थोड़ा ताकत से आगे लेना है, ठीक है। और ये इसका बॉल जॉइंट है, ये निकालना है हमें। ये देखो ये पाइप वगैरह डाल के पाना लगा के दो आदमी पकड़ के प्रॉपरली लूज कर लिया, ये देखो ये बाहर आ गया। ये पहले भी किसी ने ये बदला है, ये एकदम प्रॉपर है बॉल जॉइंट, लेकिन ये जो रैक है इसमें प्ले है। ये देखो ये हिल रहा है, ये देखो हाथ को महसूस हो रहा है टक 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 ऐसा, मतलब वाइब्रेशन। ठीक है, तो अभी एक तो हमने निकाल दिया बॉल जॉइंट, इधर का भी निकालेंगे अभी जैसे ये निकाला वैसा। अभी देखो ये प्लास्टिक है, ये हमें हटाना होता है, ये थोड़ी जाम होता है, ऐसे मार के इसको निकालना पड़ता है। ये देखो निकल गया। और इसके अंदर देखो 36 नंबर का एक चेक नट होता है, इसके लिए हमने एक स्पेशल पाना तैयार किया है। देखो यह 36 नंबर का पाना तैयार किया है और उसको ग्राइंड करके ये जो पट्टी पाना है उससे हम इसको निकालेंगे। थोड़ा पकड़ के घुमाएंगे ना तो आ जाएगा, क्योंकि ये रेगुलर इसके ऊपर जो इसका ये आता है रैचेट वगैरह आता है वो बैठ नहीं पाता, क्योंकि ये रॉड होता है इसके लिए। तो इसके लिए हमने इस तरह का पाना तैयार किया है। ये देखो ये नट होता है, तो ये निकाल दिया हमने। तो अभी ये देखो इधर एक चेक नट है, ये भी निकालना है। तो ये निकाल देंगे तो पिनियन बाहर आ जाएगा, ये पिनियन है, ये देखो ये कुछ इस तरह निकालना पड़ता है। थोड़ा सा जाम होता है क्योंकि कंपनी ने लॉक किया होता है उसको। ये देखो ये कुछ इस तरीके से सारी चीज़ें वो बाहर निकालनी, तो ये थोड़ा खींच के निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो वो भी हम निकालेंगे, इधर से मारेंगे ना थोड़ा तो भी गिर जाएगा। ठीक है, तो ये भी निकाल देंगे हम। अभी जो पिनियन है ये बाहर आ जाएगा, देखो ये इधर रख के ऐसा मारेंगे ना, ये देखो पिनियन आ गया। और अंदर देखो पूरा ये मतलब ये ब्राउन कलर का वगैरह हो गया है ना, वो पानी जाने के कारण हुआ है। और ये देखो पूरा का पूरा निकाल दिया। तो अभी क्या है, इसको प्रॉपरली हमें ये करना है, वॉश वगैरह करना है, क्लीन करके लेना है पूरा। अभी क्लीन करेंगे हम सबसे पहले। तो इसके एक साइड में इधर ये टेफ्लॉन का बुश होता है, देखो ये बुश टूट गया है पूरा। तो इसके लिए ये जो रैक है इसमें प्ले आ गया और ये आवाज़ कर रही है, देखो ये देखो कितना प्ले आ रहा है। और इसके लिए जब गाड़ी चलती है ना तो आवाज़ करने लगता है रैक। अभी ये हमें बुश बदलना है, बुश बदलने के लिए ये ऊपर आप एल्यूमिनियम की कॉलर देख रहे हो, तो ये इस तरह एक्सटेंशन डाल के इसमें, ये देखो ये दो साइड से दो एक्सटेंशन डाल के इधर ठोक के ये कॉलर निकालनी पड़ेगी। मैं देखा था आपको कैसे निकलते हैं। तो सबसे पहले ये जो बुश है टूटा हुआ उसको मैं बाहर निकालता हूँ, तो जगह बन जाएगी हमारी जो कॉलर है एल्यूमिनियम की वो ठोकने के लिए। ये देखो ये बोझ की क्या हालत हो गई, पूरा टूट गया अंदर। तो ज़ोर से गड्ढे में वगैरह पटक जाती है ना गाड़ी, तो ये बोझ टूट जाता है। ठीक है, और उसके लिए हम पूरा रैक वगैरह चेंज कर देते हैं। तो बाकी तो रैक एकदम ओके है, कुछ भी दिक्कत नहीं है रैक में। सिर्फ ये छोटे से बोझ के कारण ये इतना ज़्यादा नॉइस कर रहा है, आवाज़ कर रहा है। ठीक है, तो ये देखो ये
पुश है ये, खींच लेता हूँ ऊपर, बहुत टुकड़े हो गए हैं उसके। ये देखो ये पुश आ गया। ठीक है, तो अभी ये एक्सटेंशन है, ये इधर एक साइड से डाल दूंगा मैं इसमें, ये देखो, और इधर से मारूंगा ना तो जो कॉलर है एल्यूमिनियम की वो बाहर आ जाएगी। ये देखो थोड़ी सी जगह से हिली, तो ऐसे ही ठोक के ये जो कॉलर है ये हमें बाहर निकालनी है। तो एक्सटेंशन लगा के एक साइड से ठोक दिया, तो ये देखो ये कॉलर प्रॉपरली आ गई, और हमारा जो बुश है उसकी ओरिंग वगैरह होती है, देखो ये पूरी अंदर फंसी है। तो अभी क्या है, जितने भी पार्ट है एकदम प्रॉपरली साफ़ करके लेते हैं, जो पुराना ग्रीस वगैरह है ना अंदर वो पूरा एकदम क्लीन करके लेते हैं पानी वगैरह मार के एकदम प्रेशर से। अभी देखो सारे पार्ट्स है एकदम प्रॉपरली एकदम चकाचक कर लिए। पहले आपने देखा था जो ग्रीस वगैरह लगा था और उसमें सारा रस्ट वगैरह मिला हुआ था, अभी देखो अंदर से भी एकदम प्रॉपरली जितना हो सके उतना वॉश कर दिया हमने प्रॉपरली। ठीक है, तो पुराना जो भी ग्रीस है वो पूरा मतलब चला गया है यहाँ से। तो अभी क्या है, इसमें हमें नया बुश लगाना है। अभी तो इसमें लगाने के लिए बुश हमने मंगाया बुडमो से। बुडमो एक ऐसा ऐप है जिस ऐप की मदद से आप घर बैठे बैठे किसी भी कार का कोई स्पेयर पार्ट मंगा सकते हो। इस ऐप पे आपको कई सारे फीचर मिल जाते हैं, जैसे कि आप आपके कार का OEM कैटलॉग देख सकते हो, उसमें कौन सा पार्ट किधर लगाया है, उसका पार्ट नंबर क्या है, उसकी प्राइस क्या है, ये देख सकते हो, और आपको चाहिए तो परचेस कर सकते हो। परचेस करने के बाद मोस्टली पार्ट आपको 5 दिन के अंदर डिलीवर हो जाते हैं, और डिलीवर हो जाने के बाद भी वो पार्ट आपको नहीं चाहिए तो 10 दिन के अंदर उसको रिटर्न करके अपना रिफंड ले सकते हो। ढेर सारे स्पेयर पार्ट बुडमो पर अवेलेबल हो जाते हैं। आपको प्योर जेन्यून ओरिजिनल चाहिए तो वो भी मिल जाते हैं, OES मिल जाते हैं, आफ्टर मार्केट चाहिए तो आफ्टर मार्केट भी मिल जाते हैं। छोटे से छोटा लेकर बड़े से बड़ा स्पेयर पार्ट भी बुडमो पे अवेलेबल हो जाता है। तो इस ऐप के लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, इनकी वेबसाइट भी है उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो ये देखो ये बुश कोईटेक कंपनी का है। ठीक है, तो 276 कुछ इसकी प्राइस है, तो इतने में हमारा जो स्टीयरिंग रैक है वो रिपेयर हो जाता है। ठीक है, तो अभी इसको इंस्टॉल करते हैं। तो स्टेयरिंग रैक ख़राब होने के मोस्टली रीज़न यही होते हैं, ये बुश ही जाता है। और ये नया बुश देखो कितना प्रॉपरली लग रहा है, ज़रा भी प्ले वगैरह नहीं है इसमें, ये देखो एकदम मस्त लग रहा है, जाम लग रहा है इसमें। ठीक है, तो अभी इसमें थोड़ा सा ग्रीस लगा देता हूँ मैं। ठीक है, फिटिंग करने से पहले थोड़ा सा ग्रीस लगाना ज़रूरी है ताकि इसकी जो फिटिंग है वो प्रॉपर हो सके। तो बुश में ग्रीस लगा दिया और इसके अंदर भी थोड़ा ग्रीस लगा लेता हूँ। ठीक है, तो ये ग्रीस लग गया, और ये देखो ये इधर थोड़ी सी खाँच है, ये ऊपर की तरफ रखनी है और इसको अंदर दबाना है। ये देखो सिर्फ हाथ से ही लग गया, कुछ मतलब ठोकने की वगैरह कुछ ज़रूरत ही नहीं है इसमें। ठीक है, और अभी ये डाल के देखना है जाता है क्या और प्ले कितना है। ये देखो कितना मस गया, और प्ले भी मतलब पूरा मतलब ज़रा सा है उतना तो होना चाहिए। ठीक है, तो उस साइड से पिनियम वगैरह लगा देंगे तो ये प्ले भी गायब हो जाएगा। अभी ये कॉलर हमने निकाली थी, एक कॉलर अंदर हमें प्रेस करनी होती है। ठीक है, इसके ऊपर कोई पाना रख के मैं हथौड़ी लेता हूँ। ठीक है, इसको अंदर इस तरह प्रेस करना है। ये देखो ठीक है, ये कॉलर भी देखो एकदम प्रॉपरली लग गई है। अभी ये देखो इसमें प्रॉपरली ग्रीस लगा के हमें इसकी फिटिंग करनी है इसके अंदर। ठीक है, तो प्रॉपर जितना हो सके उतना ग्रीस लगाना है, ग्रीस लगाने में कंजूसी नहीं करनी है। ठीक है, क्योंकि जितना ज़्यादा ग्रीस लगा एकदम ज़्यादा भी नहीं पूरा भर भी नहीं देना है, लेकिन एकदम सफिशियंट ग्रीस लगाना है। ये देखो सारी ओर से ग्रीस लगाओगे ना उतना ये स्मूथली वर्क करेगा। ये देखो ये ग्रीस लगा के हो गया, तो अभी बुश की साइड से ही इसको इंस्टॉल करना है, आराम से करना है, क्योंकि ज़्यादा आप मार के वगैरह इसमें फिटिंग कर दोगे ना तो बुश है ये हमारा फिर से ख़राब होने की संभावना रहती है। ठीक है, तो इसके लिए एकदम आराम से इसको दबाना है। ये देखो ये देखो ये लग गया। ठीक है, तो अभी इसको सीधा कर लेता हूँ मैं थोड़ा। ठीक है, पूरा हाथ में वगैरह ग्रीस लग गया, तो थोड़ा सा घुमा के
ये देखो ये सीधा हो गया यहाँ से, ये देखो ये क्रॉस था, देख पा रहे हो गया आप, ये देखो ऐसा नहीं रखना, एकदम ऐसा सीधा करके इसका जो पिनियन है ये लगा देना है। ये देखो ये पिनियन है, पिनियन में भी मैं सफिशियंट ग्रीस लगा देता हूँ। और पहला ग्रीस का कलर देखा था आपने कैसा था, पूरा रस्टी रस्टी हो गया था। बेरिंग भी हमने साफ़ किया प्रॉपरली, पेट्रोल वगैरह लगा के, पेट्रोल डीजल वगैरह लगा के, तो इसमें भी मैंने ग्रीस भर दिया। ये बेरिंग भी जाता है लेकिन ये बेरिंग अभी प्रॉपर है, गया नहीं है, ठीक है। ज़्यादा कुछ पानी जाता है अंदर ना तो ही बेरिंग वगैरह जाता है, नहीं तो ऐसे नहीं जाता, ठीक है। तो ये लग गया, ठीक है, तो पिनियन लगा देता हूँ मैं। देखो ये पिनियन भी एकदम प्रॉपरली लग गया। अभी देखो इस साइड में पहले प्ले था, अब ज़रा भी प्ले नहीं है, ज़रा भी हिल नहीं रहा है, एकदम प्रॉपर हो गया। लेकिन इस साइड में देखो, इस साइड में प्ले है, ठीक है। ये प्ले कौन कंट्रोल करता है, ये हमारा चेक नट होता है ना, वो कंट्रोल करता है। ये देखो ये सारा हमने निकाला था ना, ये लगा देता हूँ, इसमें थोड़ा सा ऑयल लगा देता हूँ, ठीक है। और इसके अंदर थोड़ा ग्रीस भी भरना है, देखो ये ग्रीस इसमें डाल दिया मैंने। और अभी सारी चीज़ें ये लगानी है, ये थोड़ा जम जाता है तो थोड़ा सा इस तरह ज़ोर से भी नहीं मारना है, आराम से मारना है, ठीक है। इसके बाद इसमें स्प्रिंग होती है, ये देखो, और ये इसके ऊपर चेक नट बैठता है, इसमें थोड़ा ऑयल डालना है, ठीक है। और ये चेक नट का भी सेटिंग होता है, वो भी बताता हूँ मैं आपको। चेक नट है ना, सबसे पहले पूरा टाइट कर के लेना है, जितना हो सके ना उतना टाइट कर लेना है। ये देखो ये टाइट कर रहा, वो कितना होता है देखते हैं, ये देखो इतना हो गया इसके, अभी पूरा टाइट हो गया ना, अभी लगभग 90 डिग्री आपको ये लूज़ करना है। ये देखो ये लगभग 90 डिग्री मैंने लूज़ किया, 90 से ज़्यादा करते हो तो भी चलता है। तो अभी ये देखो इधर का प्ले भी ख़त्म हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा सेटिंग हो गया हमारा। अभी ये बॉल जॉइंट लगा देने हैं सिर्फ, ये बॉल जॉइंट में अगर प्ले वगैरह है तो आपको बदल देने हैं, लेकिन ये अभी रिसेंटली मुझे लगता है बदले हुए हैं तो एकदम प्रॉपर है। तो जिसने बदले वो बॉल जॉइंट तो बदल दिए, लेकिन ये बुश वगैरह चेक नहीं किया तो इसके लिए नॉइस वो ख़त्म नहीं होगा हुआ, ठीक है। तो जब रैक रिपेयर करते हैं तो ये सारी चीज़ें वो चेक करनी है। तो अभी ये जो बॉल जॉइंट है ये लगा के पूरा मतलब टाइट कर देता हूँ मैं, ठीक है, और बाकी चीज़ें लगा देता हूँ। तो ये बॉल जॉइंट और ये एंड भी चेक करना है, एंड में वगैरह भी प्ले है तो ये भी बदल देने हैं जब आप स्टेरिंग रैक रिपेयर करते हो। तो अभी क्या है, इसको लगा के मैं फुल टाइट कर देता हूँ। तो अभी ऑलमोस्ट फिटिंग हो गया है इसका। ये देखो ये बूट है, बूट भी आपको चेक करना है किधर से फटा वगैरह है, तो ये भी आपको चेंज कर देना है, क्योंकि रैक जो ख़राब होते हैं तो मोस्टली अंदर पानी जाने के कारण ही होते हैं। तो ये जो हुआ ये पानी जाने के कारण नहीं हुआ, ये गड्ढे में वगैरह जोर से मतलब पटक जाती है ना गाड़ी पॉट होल्स में वगैरह, उसके कारण बुश कट गया हमारा। लेकिन थोड़ा सा पानी गया था इसमें भी, इतना ज़्यादा नहीं गया था, थोड़ा सा गया था, ठीक है। तो इसमें हमें जिप टाई लगाने हैं। एक्चुअली इधर ओरिजिनल जो पैकिंग आता है वो सबसे बेस्ट होता है, जो स्टील का आता है वो, लेकिन वो मार्केट में इजीली मिल नहीं पाता। तो ऐसी कुछ बात नहीं है, जिप टाई से भी काम चलता है, लेकिन जिप टाई आप जब लगाते हो तो इधर एनाबॉन्ड लगाना ज़रूरी है। एनाबॉन्ड लगाते हो ना तो अंदर पानी जाने की संभावना ज़रा भी नहीं रहती। ये देखो ये पूरा मतलब पैक हो जाता है, ये एनाबॉन्ड मतलब सीलेंट है जो हम इंजन वगैरह फिट करते हैं तो यूज़ करते हैं, तो ये सीलेंट है, ये देखो RTV सिलिकॉन सीलेंट। तो ये लगा देना है, और आप जिप टाई लगा देते हो तो चलता है, कुछ टेंशन वाली बात नहीं। ये देखो ये लग गया, अभी जिप टाई है बड़ी वाली ये लगा देता हूँ। तो अभी क्या है, इसके अंदर पानी ज़रा भी नहीं जाएगा। ये देखो पूरी, ये देखो ये पकड़ से वगैरह खींच के है ना एकदम टाइट कर देनी है। ये देखो इस तरह प्रॉपर टाइट हो गई, अभी इसके अंदर पानी ज़रा भी नहीं जा सकता। अभी ये जो फाइबर मतलब प्लास्टिक का पीस निकाला था ये लगाना है, तो ये लगाने से पहले ग्रीस लगाता हूँ ताकि इसकी फिटिंग है ये एकदम प्रॉपर हो सके। इसमें देखो ये खाँच होती है, तो ये खाँच इसमें बैठ जाती है, थोड़ा सा
मार के ही लगाना पड़ता है, एकदम जाम बैठता है। ये देखो, देखो ये बैठ गया। जो मैं ऑपरेट करके दिखाता हूँ आपको रैक, ये देखो एकदम स्मूथ ऑपरेट हो रहा है। ये देखो, तो इस तरह एकदम स्मूथली ये ऑपरेट होना चाहिए, ठीक है। तो वो इस तरीके से हमारा जो स्टेयरिंग रैक रिपेयरिंग का काम है, ये इधर प्रॉपर हो गया है। तो इतनी सी छोटी सी चीज़ें रहती है स्टेयरिंग रैक के अंदर, कुछ मतलब बड़ा नहीं रहता। तो इसके लिए हम पूरा स्टेयरिंग रैक है वो बदल देते हैं। तो कभी कभी बदलने की ज़रूरत रहती है, अगर पूरा मतलब अंदर पानी वगैरह जाता है, अंदर पूरा रस्टी रस्टी हो जाता है, पूरा जो आपने स्टील का बार वगैरह देखा वो पूरा मतलब रस्ट के कारण उसमें गड्ढे गड्ढे आ जाते हैं, तो चेंज करना ठीक है। लेकिन छोटी मोटी चीज़ों में चेंज करने की ज़रूरत नहीं रहती, एकदम प्रॉपरली रिपेयर हो जाता है। तो आशा करता हूँ ये जो वीडियो, ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ ये वीडियो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और आप नए हो, आपने हमारे चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे ही नए नए वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ।